Done? Yes, sir. Yes, sir. इसमें कौन सा डाउट है? आंसर से वो बता दो, उसको बताएंगे। आंसर तो मुझे पता, फिफ्थ वन डबल आंसर आ रहा है, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो इफ टोटल बिकम वाई, ये भी वाई होगा, कोई पैटर्न में जा रहा है ना। वाई यू कैन राइट एक्स प्लस 1/y, डिफरेंशिएट कर दो। ओके, तो dy/dx इज इक्वल टू 1 - 1/y² dy/dx। मुझे dy/dx चाहिए, तो take this one to left side, then 1 + 1/y² into dy/dx is equal to 1, means y² upon 13 plus dy/dx हो जाएगा y² upon 1 + y²। ये कहाँ से आया सर? मैंने वो 1/x + y मैंने उसको y ले लिया। All answer ये करेक्ट है। थर्ड और फोर्थ भी कर सकते। ये हो जाएगा y = sin x⁴ y है ना। तो क्या करेंगे, लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल आ रहा है। तो ln y इज इक्वल टू y ln sin x। नाउ डिफरेंशिएट, 1/y dy/dx इज इक्वल टू y, इसका डेरिवेटिव 1/sin x into derivative of sin x, that is cot x, plus ln sin x into dy/dx। तो इसको इधर ले लो, dy/dx कॉमन, then 1/y minus ln sin x into dy/dx became y cot x। मुझे dy/dx चाहिए, तो करेक्ट है। ठीक है, इक्वल टू ये y cot x अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 - y ln sin x होल डिवाइडेड बाय y, y ऊपर चला जाएगा y² cot x। करेक्ट। ये भी करेक्ट है सर। यहाँ पे अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर लॉग लेंगे तो क्या होगा? आएगा, सेम आएगा सर। वहाँ पे मतलब कुछ तो अजीब होता है, कुछ कैंसिल आउट हो जाता है सीधा सीधा। नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन में आप पहले से y ले लोगे ना, सॉरी लॉग ले लोगे ना, तो आपका ln y हो जाएगा y इंटू ln sin x, तो वही तो आया ना। अच्छा, मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से सोच के किया था। क्या सोचे है सर? मतलब वो जो सबसे टॉप वाला जो sin x होगा, सिर्फ उसको बाहर निकालेंगे और फिर ln y आ जाएगा ln sin। नहीं, व्हाट इज 2 / 2 / 3? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 / 2 / 3? इज व्हाट? Hmm? 2 raised to 8. 2 / 8. Okay. Luckily ये 1 मिनट। 2/3 स्क्वायर कितना आ रहेगा? 2 to 3 to 2 is what? क्या हुआ? 2 to 9 और 8 to 2 which one correct? It is 2 to 9 or 8 to 2. 2 to 9 ये गलत है तो आप लॉग लेके इसको बाहर निकाल दोगे, गलत होगा ना? हाँ सर समझा। हाँ हो गया। हाँ सर find out. f डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश मतलब थर्ड डेरिवेटिव। फर्स्ट वन मिला क्या, नहीं 11/4 ओके। टफ लग रहे हैं सर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं सर। टफ लग रहा है। आपका 5 times of f of x ऐसा क्वेश्चन किए थे फंक्शन में, प्लस 3 times of f of 1 by x इज इक्वल टू x + 2 एंड y इज इक्वल टू x into f of x, देन dy/dx पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको f(x) निकालना है। 5 times of f(x) प्लस 3 times of f(1/x) इज इक्वल टू x + 2। आपको f(x) निकालना है। कैसे निकालोगे? तो x को 1/x डाल के ऐसे कर सकते हैं। यस, रिप्लेस x एज 1/x, x की जगह 1/x डालो तो ये क्या हो जाएगा, 5 times of f of 1 by x, ये हो जाएगा 3 times of f of x इज इक्वल टू 1/x + 2। मुझे f(x) निकालना है तो f(1/x) को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में 5 मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। इक्वेशन 1 into 5 माइनस इक्वेशन 2 into 3, तो ये 25 - 9 16 f(x) ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x + 10 माइनस 3/x माइनस 6 मतलब +4। करेक्ट, f(x) आपको मिल गया। हाँ, which is 5x² + 4x - 3/x or 16x, that implies a connect. ये आपको f(x) मिला। What is your y? x into f of x, तो इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/16 into 5x² + 4x - 3। अब इसका dy/dx पूछ रहा है, dy/dx at the x equal to 4, it is 1/16, ये कितना होगा 10x, x की जगह 4 डालेंगे +4, 44/16 11/4। समझा? Yes, sir. हाँ। सेकेंड थर्ड से कोई एक बता दूंगा आपको, नेक्स्ट वन करना पड़ेगा। कौन सा चाहिए? सेकेंड बता दीजिए। थर्ड f(x) given x³, थर्ड बताऊं? ठीक है, f(x) given x² + x into g1 plus g double dash 2 and g(x) given f(1 into x² + x into f dash x plus f double dash x, then find f(x) and g(x). g dash 1 आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको क्या दिलाएगा? जी डस वन आपको क्या दिलाएगा? कांस्टेंट कांस्टेंट। कंसीडर दिस वन आज के ये भी एक कांस्टेंट दिलाएगा, तो कंसीडर दिस वन बी लेट एफ ऑफ एक्स इज द एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी where a is equal to g dash 1 and b is equal to g double dash 2. Correct? तो ये आपका एफ ऑफ एक्स आ गया, इसमें दो अननोन रहा ए बी, आपको ए बी मिल जाएगा तो यू कैन फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा तो फिर आपको जी एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा. व्हाट इज द एफ डैश एक्स? 2x plus a. What is the f double dash x? 2a. अब ये जो रिजल्ट है ना इसमें डालो तो g of x क्या हो जाएगा? f of 1. What is the f of 1? 1 plus a plus b into x square plus x इंटू एफ डैश एक्स, इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स 2a व्हिच इज x स्क्वायर टर्म रखोगे तो दैट इज 3 प्लस a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2a. दिस इज द g ऑफ x. ठीक है, व्हाट इज द g डैश x? जी डैश एक्स क्या होगा? 2 इंटू 3 प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए. क्या बोल रहे हो? डबल डैश विल बी ओनली 2. ओके ओके, अब बराबर ना. तो जी डैश एक्स होगा 2 इंटू 3 प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए. तो जी डैश वन कितना होगा? 2 इंटू 3 प्लस ए प्लस बी प्लस ए एंड इट इज गिवन ए. तो ए गॉट कैंसल्ड, दैट मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 3. Right? What is the g double dash x? इसका सेकंड, इसका और एक डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस a प्लस b. इट इज गिवन नो, ये g डबल डैश x. तो g डबल डैश 2 क्या होगा? वही होगा क्योंकि इट इज कॉन्स्टेंट टर्म. तो 2 इंटू 3 प्लस ए प्लस बी इट इज गिवन बी. इंप्लाइज व्हाट? 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 6. तो फ्रॉम 1 ऑन 2 तो a कितना होगा? माइनस 3, बी इक्वल टू 0. ए वैल्यू बी वैल्यू मिल गया तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स वाज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी. विच इज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x. जी ऑफ एक्स पूछ रहा है, जी ऑफ एक्स क्या रखे है? एफ ऑफ वन. ठीक है, हम निकालेंगे अभी जी ऑफ एक्स इज द एफ ऑफ वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, है ना। इज द एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन हो जाएगा माइनस टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स, व्हाट इज योर एफ डैश एक्स, टू एक्स माइनस थ्री, व्हाट इज योर एफ डबल डैश एक्स, टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसमें एक्स मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एफ डबल डैश टू एक्स, एफ डबल डैश एक्स इज द टू, so 2x square got cancelled, so you have minus 3x plus 2. ये आपका g of x, ये आपका f of x, समझा कैसे हो रहा है। हाँ हाँ, write down then do second one. डन। हाँ सर, और किसी को कुछ मिला? ये भी कांस्टेंट होगा बी सी। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर ए तो एफ डैश वन, बी तो एफ डबल डैश टू, सी तो एफ ट्रिपल डैश थ्री। जो एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी, तो एफ डैश वन कितना होगा? 3 प्लस 2a प्लस बी। और इसे एफ डबल डैश एक्स 6x प्लस 2a, तो एफ डबल डैश टू इधर 2a प्लस 12। एफ ट्रिपल डैश एक्स इधर 6, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो एफ ट्रिपल डैश 3 भी 6 होगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस ए, ए मीन्स 3 प्लस 2a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर and b f double dash 2 2a plus b no 2a plus 12 into x 6 अच्छा। तो और कुछ दिया गया था क्या? Then find f dash x. Okay. So what is the f dash x now? F triple dash तो इतना ही होगा 6 होगा। व्हाट इज द f dash x? 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2a प्लस b इंटू x प्लस 2a प्लस 12 है ना। तो f dash 1 कितना होगा? और 3 प्लस 6 9 प्लस 12 21, ये आपका 4a प्लस 2a 6a प्लस 2b प्लस 21, it is given a, that implies 5a plus 2b is equal to minus 21. am I correct? c का वैल्यू तो ऑलरेडी मिल गया। एक मिनट ये क्यों कर रहा हूं मैं? मुझे एबीसी का वैल्यू निकालना है। ये दिस वन गिवन है ना, दिस वन गिवन बी, दिस वन गिवन सी, तो सी का वैल्यू 6 मिल गया। ओके क्या 2a प्लस नहीं a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 2a माइनस b इक्वल टू माइनस 12। इफ यू एडेड दिस टू देन 3a इक्वल टू माइनस 15, a इक्वल टू माइनस 5, a माइनस 5 होगा तो b इक्वल टू 2 होगा। ए बी सी तीनों वैल्यू मिल गया ना यूज हियर व्हिच इज 3x2 28। और आप इधर भी डाल सकते हो, दिस इज f-x, इसका जरूरत नहीं। x³ + a hence f(x) इसका भी जरूरत नहीं। f(x) क्या मिला? x³ ax², a की जगह -5 + bx, b की जगह 2, c = 6। ये हो गया आपका आंसर। x³ - 5 करेक्ट है। Then awesome. Okay, right on. Done. Yes. Okay. Yes. New chapter. Application of derivative. आपका derivative हो गया। First one is the approximation and error. Let y = f(x). आपका x में कुछ चेंजेस होगा, x में कुछ एरर आएगा तो y में भी कुछ एरर होगा, है ना? हाँ सर। If x changes x + del x, तो del x is the error, ठीक है? Then y changes y + del y, right? Okay. अभी मैं y + del y = f(x + del x). तो x में मैं कुछ एरर रखा, del x is the error on x, del y is the error on y, ठीक है? That implies del y क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई, है ना। वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब डेल एक्स डिवाइड कर रहा हूं बोथ दी साइड्स, देन डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, करेक्ट। अब यूज करो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो बोथ दी साइड्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये क्या होता है, डेरिवेटिव इसका dy by dx, dy by dx होता है y का डेरिवेटिव और f of x का डेरिवेटिव, दिस इज द dy by dx। इसका मतलब डेल y क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो दिस इज द फॉर्मूला। बट आपका जितना डेल एक्स जितना नेग्लिजिबल होगा ना, आपका एक्यूरेसी उतना मैच करेगा, ठीक है। आप डेल एक्स को बहुत बड़ा रखोगे तो आपका मैच नहीं करेगा, एरर आपका मैच नहीं करेगा। इसके लिए डेल एक्स क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, क्लोज टू जीरो होना चाहिए। मतलब ये जितना आप डेल एक्स टेंस टू जीरो करोगे ना, उतना आपका मैच कर जाएगा। मतलब आप ये कैलकुलेट डाल के भी करोगे, आपका आंसर वही मैच कर जाएगा। तो डेल एक्स टेंस टू जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत क्लोज होना चाहिए। मतलब जितना नेग्लिजिबल रखोगे, जितना छोटा रखोगे, उतना आपका एक्यूरेसी आएगा। वेयर डेल वाई इज द एरर ऑन वाई, डेल एक्स इज द एरर ऑन एक्स। आपका क्या दिया जाता है, एरर ऑन एक्स दिया जाता है, एरर ऑन वाई पूछता है, फंक्शन आपको कुछ दिया जाता है, ठीक है। तब मुझे बताइए परसेंटेज ऑफ एरर क्या होगा, क्या होगा, डेल वाई बाय वाई इंटू 100, डेल वाई बाय वाई इंटू 100। परसेंटेज निकालोगे ना, ठीक है। तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो एरर के लिए। For an example, a question दे रहा हूँ, This is the question. A circular plate expands when heated from a radius of 5 centimeter to 5.06 centimeter. Find the approximate increase and percentage increase in area. ठीक है, एरिया में कितना इंक्रीज करेगा। सर्कुलर प्लेट है, हेड की वजह से इसका रेडियस चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो हम एरिया निकालेंगे। आपका y इज इक्वल टू मतलब एरिया हुआ इधर, सर्कुलर प्लेट का एरिया कितना होता है 5r square। okay, here r is the x, area is the y, right? अच्छा एरर क्या है, सॉरी r कितना था 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर चेंजेस 5.06, तो 0.6 क्या होगा, 0.06 क्या है डेल r। ऐसे तो क्वेश्चन आप बहुत फिजिक्स में किए होंगे। ओके, आर में इतना एरर मिला 0.06 का एरर मिला। ठीक है, तो एरिया में कितना एरर होगा जब व्हेन आर चेंज टू आर प्लस डेल आर, तो आपका एरिया कितना चेंजेस होगा। यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा, अब निकालेंगे dA/dr। व्हाट इज द dA/dr? दिस इज द फंक्शन ऑफ आर। हाँ, तो dA/dr इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर 2πr। मैंने फॉर्मूला दिया डेल वाई इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल एक्स। एक केस में क्या होगा डेल a इज इक्वल टू डेल a अपॉन नो dA अपॉन dr। इंटू डेल आर, करेक्ट ना। तो आपको dA चाहिए, नो डेल ए चाहिए। डेल ए कितना होगा dA अपॉन dr इंटू डेल आर which is 2πr इंटू डेल आर। डेल आर कितना 0.6। आर की जगह डाल दो 5, ये 10π into 0.06, that is 0.6 pi, है ना। हाँ सर 0.6। तो ये इतना एरर आएगा कितना, ये 0.6 pi का एरर आपको मिलेगा एरिया में। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज। कितना इंक्रीज किया एरिया में, कितना इंक्रीज कर रहा है। इतना ही इंक्रीज करेगा ना, जितना एरर आया उतना ही इंक्रीज करेगा ना। हाँ सर। और परसेंटेज, सो आपको एरिया पूछा होता, न्यू एरिया कितना होता तो क्या होगा ओल्ड एरिया प्लस इतना, दिस इज द एरर। तो आपको ये निकालना है न्यू एरिया क्या होगा आफ्टर एक्सपांड, तो ये होगा आपका a प्लस डेल ए। ठीक है ना, विच इज पाई आर स्क्वायर मतलब ये प्लस 0.65 विच इज 25.65, करेक्ट ना। ये न्यू एरिया होगा, बट ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन था कि अप्रोक्सीमेट इंक्रीज। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या होगा। इन एरिया इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए इंटू 100। डेल ए द 0.65 अपॉन एरिया कितना 25 पाई, ये एरिया ठीक है, इंटू 100 तो 4 होगा तो 2.4 पाई गॉट कैंसिल 2.4%। समझाइए। हाँ सर। राइट, सर 1 मिनट। सर स्क्रॉल अप कीजिए ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जा रहा है बीच बीच में, मतलब ये आंसर देख के तो पता लग रहा है ये गलत जा रहा है। हाँ ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 के आसपास है, जब 0 में डाल दूंगा अभी x के जगह तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो वैल्यू तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कैसे होगा? 0 डालेंगे तो कितना आएगा? ये -1, ये 4, ये -3। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा ना 12 के आसपास होगा। 0 के लिए 12 के आसपास आ रहा है, 0.001 होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये कैसा आ सकता है? सेकेंड 728 का पावर √6 क्या होगा? 2.9। कैल्सी में चेक करोगे वही 3 के आसपास आ जाएगा ना, क्योंकि 3 का पावर 6 729 होता है। तो ये कहाँ से आ गया? ये तो आ नहीं पाएगा। फर्स्ट वन मिला? हाँ सर। कितना मिला? 5/2। अच्छा ये 0.5 लिया गया तो थोड़ा एरर आप कैल्सी में चेक करोगे थोड़ा बहुत डिफर करेगा, क्योंकि ये 0.5 पे हम लिए, ठीक है ना, डेल एक्स, तो एक्स दिया गया, डेल एक्स दिया गया, ठीक है। तो आप सीधा फॉर्मूला डालोगे, you'll get your answer। सेकेंड वन इसमें मैं y को ले रहा हूँ x⁴ करेक्ट। एक केस में x और डेल एक्स क्या सिलेक्ट करोगे? आपको डेल y निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब y प्लस डेल y निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द x? आप क्या सिलेक्ट करोगे? x को क्या सिलेक्ट करोगे? y डेल एक्स को क्या सिलेक्ट करोगे फॉर दिस क्वेश्चन? सर x को 729 ले रहा हूँ, डेल एक्स को 1 -1 डेल एक्स होगा -1, क्योंकि x प्लस डेल एक्स, ये तो x प्लस डेल एक्स का पूछ रहा है ना, तो मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, ठीक है। तो व्हाट इज द dI/dx? 1/6 x⁻⁻⁵ तो डेल y कितना होगा? dI/dx इंटू डेल एक्स, ठीक है, which is 1/6 एक्स के जगह 729 ⁻⁻⁵ इंटू डेल एक्स। डेल एक्स इज द -1। कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 3/6 कैंसल, तो 3⁻⁻⁵ मतलब 1/6 इंटू 243 है ना, तो -1/6 इंटू 243। व्हाट इज द y वैल्यू? व्हेन x इक्वल टू 729, व्हाट इज द y वैल्यू? 728 3। y इज द x⁶ ना, x⁴ that is 729 ⁻⁻⁶ which is 3, y का वैल्यू 3, और ये आपका डेल y मिला, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा? 6.8 into 10 raised to -4 ये क्लोज टू बहुत क्लोज आ रहा है, मतलब 0.00068 ऐसा कुछ आ रहा है, 587 ऐसा रख दो। तो वाई मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई मतलब ये चाहिए, किसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, इसका मतलब y प्लस डेल वाई चाहिए। व्हाट इज द y प्लस डेल वाई, वाई का वैल्यू 3 माइनस 0.00068 कितना आएगा 32 11.99932। समझाइए। तो आप चेक करो, कैल्सियम में चेक करो 728 पावर 1/6 कितना आएगा सर, वो 2.99932 सॉरी 11 बोल रहा हूँ 2.9। अब खुद कैल्सियम में चेक करो 728 पावर 1/6 तो आप निकाल सकते हो ना, मतलब यूजिंग कैल्सियम यस। और ये -1 और जितना नेग्लिजिबल होगा ना थोड़ा क्लोज टू 0 की तरफ जाएगा और आपका एक्यूरेसी मिल जाएगा, बट फिलहाल तो 999 तक तो करेक्ट होगा ही होगा। हाँ सर 31 है 313। अच्छा 31 ठीक है, समझाइए सर। तो yes. बाइनोमियल से भी कर सकते हैं ना, बाइनोमियल हाँ यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। आप कोई भी, ऐसा नहीं कि मतलब आप डेरिवेटिव यूज करो, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव। हाँ सर 3rd 1 ये x के लिए पूछ रहा है, ठीक है मैं इसको x plus del x ले लेता हूँ, ठीक है ना। आई एम कंसिडरिंग दिस वन आज x plus del x, तो आपको क्वेश्चन क्या हो गया y plus del y कितना होगा, ठीक है x plus del x डालोगे तो y का वैल्यू क्या होगा y plus del y होगा, तो दिस इज द क्वेश्चन है। तो ये केस में आप x को क्या सिलेक्ट करोगे, इफ आई कंसिडर दिस वन आज x plus del x, तो x को मैं क्या कंसिडर करूंगा, डेल एक्स को क्या कंसीडर करूंगा, मैं एक्स को 0 ले लेता हूं, डेल एक्स को 0.001, तो क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। समझा। व्हेन एक्स इक्वल टू 0 व्हाट इज द वाई वैल्यू 12 मिला, ये -1 ये +4 ये -3। व्हेन एक्स इक्वल टू 0 वाई का वैल्यू 12, जब एक्सचेंज हुआ 0 से 0.001 हुआ तो y का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा ना, 12 पॉइंट समथिंग होगा राइट, क्योंकि डेल एक्स बढ़ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। तो एक्सचेंज 0 से 0.001 जब हुआ y का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा, बढ़ेगा कि कम होगा, नहीं x का वैल्यू कम होगा, कम होगा, कम होगा क्योंकि यहाँ इसका वैल्यू बड़ा हो गया, ठीक है कम होगा। तो इसका मतलब डेल एक्स कहीं ना कहीं सॉरी डेल वाई कहीं ना कहीं नेगेटिव में आएगा, ठीक है। फिलहाल डी आई बाई डी एक्स निकालो, ये मैंने वाई ले लिया, व्हाट इज डी आई बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव 3 into x minus 1 का स्क्वायर into x minus 2 स्क्वायर into x minus 3 प्लस, और फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 2 into x minus 2 into x minus 1 क्यूब into x minus 3 plus for second as it is x minus 1 cube into x minus 2 square into x minus 3 का डेरिवेटिव 1, करेक्ट ना। मुझे चाहिए डेल वाई, डेल वाई होगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, डालो कितना आएगा, जीरो डालेंगे तो माइनस वन स्क्वायर वन, माइनस टू स्क्वायर फोर, मतलब 12, माइनस थ्री माइनस 36, राइट। जीरो डालो तो माइनस वन माइनस टू, ये हो गया फोर माइनस थ्री 12, ये हो जाएगा माइनस वन फोर माइनस फोर, तो माइनस 52, ये आपका डेल वाई मतलब इंटू डेल एक्स करेंगे, इसका मतलब ये आ जाएगा एक मिनट, ये इधर डाल देता हूं, दिस वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो इतना आएगा, विच इज माइनस 52 इंटू डेल एक्स, डेल एक्स इज 0.001, कितना होगा माइनस 0.5052 ना, तो वाई प्लस डेल वाई, वाई प्लस डेल वाई कितना होगा 12 माइनस 0.052 इज इक्वल टू 11.048, करेक्ट। आप चाहो तो कैलसी में चेक करके देख लो, ये बराबर मतलब आएगा क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल है डेल एक्स 0.001, तो ये आसपास का पूरा क्लोज रहेगा आंसर। अब सीधा एक्स की जगह 0.001 डाल के चेक करो, बाकी करो। Sorry, 948, yes, not 48. मिला, metallic scale due to it is showing 0.99 meter as 1 meter. Okay. In this study, radius of the base and height of the cone are measured to be 6 meters. Actual value of the वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? (1/3 pi r square h). ठीक है, मैं क्वेश्चन को उल्टा ले रहा हूँ. मैं अभी r को 1 ले रहा हूँ. एक्चुअली 0.99 हीट के वजह से 1 हो रहा है. मैं इसको 1 ले रहा हूँ. ठीक है, तो डेलर कितना होगा? -0.01. यस, -0.01. ठीक है ना. इसका मतलब आपका डेल वाई में क्या होगा? डेफिनेट नेगेटिव होगा. तो वाई प्लस डेल वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा ना. 1 के हिसाब से जितना वैल्यू आना चाहिए उससे कम होगा, तो एक्चुअली यू विल गेट एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा. एंड बेस ऑफ इन दिस स्टेट रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द कोन आर मेजर्ड टू बी 6 meter each. अच्छा सॉरी, r इज नॉट here. R and H both 6 H. तो डेलर कितना होगा? 0.06 आएगा, -0.06 आएगा, राइट. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस पाई आर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि आर इज इक्वल टू एच. तो डीबी बाई डी आर कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर होगा. एंड डेल आर इज दिस वन, आर इज इक्वल टू 6 डालो, कितना आएगा? 36 पाई. What is the del V? dV by dr into del r, which is 36 pi into 0.06. कितना होगा? -6/100. This is 216 pi minus 216 pi by 100. Which is -2.16 pi, correct ना? ये डेल वी, मुझे v प्लस डेल वी चाहिए. अच्छा, व्हाट इज द v व्हेन r इज इक्वल टू 6? कितना होगा? 36 into 2, 72 पाई. तो 72 पाई माइनस 2.165 कितना होगा? 69.84. कितना आएगा ये? 229.4.94 कहाँ से आया? एक्चुअल वॉल्यूम तो आपका 72. अच्छा, पाई का वैल्यू डाल दिए क्या? हाँ सर उसके बाद भी मेरा आंसर रॉन्ग आया था, थोड़ा एरर आ गया था बीच में। पाई का 3.14 भी यूज करोगे मैच करेगा? फिर भी नहीं, ये 229.29 सॉरी 219.3 आ रहा है, 4 भी नहीं आ रहा है। ठीक है जो भी है, फिर भी एरर रहेगा, मतलब मिस्टेक है। आपका जो भी डिफरेंस आएगा ना, मतलब जो भी कैलकुलेशन में डिफरेंस होगा 2-3 डेसिमल के बाद ही डिफरेंस आएगा। इंटीग्रल में तो कुछ नहीं होगा। बाकी 56 मिला क्या सर? बस कैलकुलेशन पार्ट है, वरना फिर हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या है? तो मतलब बस कैलकुलेशन करना बाकी था, वरना फिर मिल गया कैसे करना है। ये क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ मतलब ऐसा, ये जैसे हो गया ना, मतलब ऐसा होगा, इतना मतलब कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए। ठीक है, सादा सीधा में हो सकता है ये चीज। 51 को क्या लिया ये बता दो फिर मैं। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज टू बी 20 if the error of 0.02 centimeter occur in this, तो r कितना 10, del r कितना होगा प्लस 0.01 होगा। ठीक है, फाइंड एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है फॉर्मूला स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। एंड सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन के ऊपर पूछ रहा है, तो बस निकालो dV/dr कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। R = 10 डालेंगे, कितना होगा 400 पाई। करेक्ट। ds/dr कितना आएगा? 8 पाई r। r की जगह 10 डालेंगे, 80 पाई। ओके, आपको डेल भी चाहिए। किसके ऊपर एरिया पूछ, सॉरी एरर, देन फाइंड एरर इन वॉल्यूम। सिर्फ एरर पूछ रहा है, मतलब डेल वी एंड डेल एस निकालना है। ठीक है, डेल वी कितना होगा? dV/dr इंटू डेल आर। तो 400 पाई इंटू 0.01 कितना होगा? 4 पाई। इसमें क्या कैलकुलेशन है? पाई का वैल्यू मत डालो, जब तक आपका क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा ये पाई का वैल्यू। डोंट यूज वैल्यू ऑफ पाई, ये फिजिक्स नहीं कर रहे हो। Like that, del s क्या होगा? ds/dr into del r। तो 80 पाई, हाँ 0.8। हो गया, इतना एरर दोनों में आएगा क्योंकि वो एरर पूछा था। वॉल्यूम मतलब अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम पूछेगा तो v + del v। Okay, चलो like that you can do 6th one। Next करेंगे tangent, normal, subtangent, subnormal। Okay, length of tangent, length of normal, like that। चलो, thank you and bye। Bye sir. Bye sir. Bye.